बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमजेएस किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े का स्पाइसी चिकन टिक्का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए बाउल में डालेंगे आधा कप दही, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, दो टेबलस्पून लेमन जूस, दो टेबलस्पून ऑयल, एक टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून वाइट पेपर, एक टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून पिसी काली मिर्च, डेढ़ टीस्पून पिसा धनिया, एक टीस्पून पिसा गरम मसाला और डेढ़ टीस्पून पिसी लाल मिर्च और एक चौथाई टीस्पून येलो फूड कलर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये मैंने एक किलो चिकन ली थी, इसको अच्छी तरह से धो के मैंने कट लगा लिए हैं। अब इसको ये मैरिनेशन में डालेंगे और इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मस लेंगे। ये जो चिकन के कट लगाए हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह से मैंने चिकन को मसाला लगा लिया है। अब इसको कवर करेंगे और 3 घंटे मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब चिकन टिक्का को फ्राई करने के लिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ये जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था, देखेंगे बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो गई है। अब इसको फ्राई करते हैं, मीडियम टू लो आंच पे इनको फ्राई करेंगे। चिकन को कवर करेंगे ताकि ये अच्छी सी नरम हो जाए। चिकन हमारी बहुत अच्छी सी गल भी गई है और इसके ऊपर प्यारा सा कलर भी आ गया है। ये हमारा स्पाइसी चिकन टिक्का रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको सर्विंग डिश में निकालती हूँ। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।